नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। बीजेपी के सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग बड़ा एक्शन ले सकता है। जी साथियों, चुनाव आयोग इस तैयारियों में है कि अब बीजेपी के सीएम के खिलाफ वो किसी तरीके का बड़ा एक्शन ले। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। मैं बताती हूँ कि कैसे अब बीजेपी जो मजबूत सरकार है वो कैसे कमजोर पड़ गई है, और इतनी ज्यादा कमजोर कि अब सीएम के खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारियां ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सीएम है मजबूत सरकार के मजबूत सिपाही, मजबूत संगठन के मजबूत नेताओं के खिलाफ अब चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए तैयार है। खबर जो सामने निकल कर आ रही है साथियों, मैं बताती हूँ कि सत्य हिंदी में जो एक आर्टिकल छपा है उससे जो जानकारी मिल रही है उसे मालूम पड़ता है कि कैसे अब सीएम हो, नेता हो, किसी भी पार्टी के लोग क्यों ना हो, उन पर एक्शन लिया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि झारखंड के अंदर चुनाव है, झारखंड के अंदर चुनाव है जिसको लेकर बीजेपी पहले से ही तैयारियों में है। लेकिन इसी दौरान झारखंड के जो सीएम है उन्होंने बीजेपी के दो सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। दो सीएम, बीजेपी के सीएम, मजबूत सरकार के सीएम, उनके खिलाफ झारखंड की सरकार ने याचिका दर्ज कराते हुए कड़े से कड़े एक्शन लेने की मांग की है। ये मामला सामने निकल कर आ रहा है। मैं आपको खबर बताती हूँ कि जो हिमता है यानी कि झारखंड के अंदर जो सरकार है, उस सरकार ने, बीजेपी सरकार के सीएम हिमता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। जिनका ये कहना है कि इन दोनों व्यक्तियों को बीजेपी सरकार ने झारखंड के अंदर जिम्मेदारी दी है चुनावों को देखते हुए, लेकिन ये लोग राज्य में नफरत फैलाने को लेकर बार बार कोशिशें कर रहे हैं, राज्य का दौरा कर रहे हैं, नफरती बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाले दौरे जो ये कर रहे हैं उसको लेकर समाज में माहौल खराब है। इसीलिए इन दोनों को लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेते हुए कड़ा एक्शन चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और ये मालूम पड़ता है कि कैसे झारखंड की सरकार बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी नफरती भाषण को, बातों को, दौरों को कबूलने वाली नहीं है। झारखंड सरकार ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को और उनके खिलाफ, और केंद्रीय मंत्री जो शिवराज जी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मैंने आपको बताया आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है शिकायत के अंदर, वो भी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाने और राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकी देने का आरोप लगाया है। विभिन्न राज्यों में नफरत फैला रहे हैं ये लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन उन पर आरोप क्या लग रहा है कि वो राज्यों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल साथियों, आपको जानकारी दे दूं कि झारखंड के अंदर चुनाव है, चुनावों को देखते हुए भाजपा ने शर्मा और चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। इन दोनों को ही प्रभारी की जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी ने झारखंड का दौरा करने के लिए बार बार सलाह दी है या फिर आदेश दिया है। इसी आदेश के चलते दोनों लोग जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, दौरे पर जाते हैं झारखंड के, लेकिन आरोप यहाँ ये लग जाता है कि वो नफरत फैला रहे हैं, इसीलिए उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये भी आरोप लग गया है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो अपनी सारी गरिमा को तोड़ रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, घटिया बयान तो सारी सीमाएं पार कर रहे हैं, यानी कि इतना ज्यादा घटिया बयान दे रहे हैं कि वो तमाम सीमाओं को पार कर रहे हैं, अपने सीएम पद की जो गरिमा होती है उसको भी बार बार तार कर रहे हैं। कौन? बीजेपी के सीएम, वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं झारखंड के अंदर जाके। दूसरी खबर सामने है तो उससे मालूम पड़ता है कि अब चुनाव आयोग एक्शन लेगा, क्योंकि आचार संहिता भी नहीं लगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नफरती बयानबाजी जो है ये तो सबको बुरी लगती है। चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा, और जब एक्शन लेगा तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी है। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहती हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं।
कई मौके ऐसे आए हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को, सीएम को, सांसदों को ये निर्देश दिए हैं, ये सलाह दी है कि वो गलत बयानबाजी से बचें, शब्दों की मर्यादा रखें, गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें, वो फिजूल के बयानबाजी से दूर रहें। ये बात खुद प्रधानमंत्री जी ने कई बार कही है कि सांसदों, नेताओं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप उल्टे सीधे बयान दें, किसी के खिलाफ नफरत उगलें। बावजूद इसके एक नहीं, दो नहीं, कई लिस्ट ऐसी है, कई बयान ऐसे हैं जब बीजेपी के नेताओं ने खुले मंच से, खुले तौर पर एक विशेष धर्म के खिलाफ बयानबाजी की है, नफरती जुबान का इस्तेमाल किया है और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने और नफरत फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की है। आपको भी कई उदाहरण ऐसे याद आ गए होंगे कि जब बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके का, नफरत फैलाने का पूरा, जो कहते हैं ना, प्रोपोगेंडा तैयार कर कर रखा हो कि कैसे हमें मंच पर जाना है, कैसे मंच से उन शब्दों का इस्तेमाल करना है, जनता को इस कदर गुमराह करना है कि जनता बट जाए, समाज बट जाए और समाज में नफरत फैल जाए। ये असम के सीएम हिमता बसवा शर्मा, इनके बयान तो ऐसे हैं दोस्तों कि कई बार मन में चलता है कि पार्टी में जगह कैसे मिली हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका कुछ करते क्यों नहीं है, किसी तरीके का एक्शन पार्टी के भीतर लिया क्यों नहीं जाता। कई बयान इनके ऐसे हैं जब ये साफ एकदम ये बता देते हैं कि कितनी नफरत इनके अंदर है एक विशेष समुदाय को लेकर। कैसे बीजेपी के नेता बहिष्कार का बात कर देते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, कैसे संसद के अंदर बीजेपी के पूर्व सांसद विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं, कैसे उनको अपमानित करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेट करते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। ये तमाम चीजें आपके और मेरे सामने, और कई बार ये सवाल उठे हैं कि आखिर क्यों इन तमाम नेताओं पर लगाम सरकार क्यों नहीं लगाती। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले पीएम क्यों अपने ही नेताओं की मानसिकता को बदल नहीं पा रहे और क्यों ऐसे भाषणों पर लगाम या फिर कड़ा एक्शन लेते क्यों नहीं दिखते, सवाल बार बार उठते हैं। बहरहाल दोस्तों, साफ ये हो चुका है कि चुनाव आयोग खिलाफत में, यानी कि मुखालफत जो लगातार इन नेताओं की होती है, जो शिकायतें चुनाव आयोग में या फिर पुलिस के पास लेकर जाई जाती है इन लोगों के खिलाफ, तो उस पर एक्शन होगा और कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन होगा कि शायद ऐसी नफरती जुबानों पर लगाम लग सके। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या, हम साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए याद।